देखिए इस वीडियो में क्लास 9 का फिजिक्स, ठीक, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था गद का कार, गद के बारे में आपको बताया गया है, लगभग गद आपका समाप्त होने वाला है। ठीक, इसमें आज हम आपको बताएंगे चाल तथा वेग में अंतर। ठीक, चाल तथा वेग में अंतर, ठीक, आपको परिभाषा बताया गया है चाल का प्रयोग वेग का। ठीक, यहां पर देखिए चाल में एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे एकांक समय में एक निश्चित दिशा में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक, आपको परिभाषा बताया गया तो दोनों में अंतर देखिए, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पर दूरी कहा जा रहा है, यहाँ पर विस्थापन, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित दिशा कहा जा रहा है। ठीक, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में भी विस्थापन को वेग कहते हैं। दूसरा क्या है, यह एक अदिश राशि है, आपको अदिश और सदिश में बताया गया है। ठीक, यह एक अदिश राशि है। ठीक, और यह एक सदिश राशि है। ठीक, क्यों देखिए सदिश क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा के बारे में बताया जा रहा है और इसमें कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए इसको अदिश कहा गया। इसमें दिशा भी निर्धारित रहता है, इसलिए इसको सदिश कहते हैं। इसका मतलब क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए इसको सदिश कहा गया है। इसका मान धनात्मक होता है, इसका मान धनात्मक होता है। ठीक, इसमें यह जैसा कह सकते हैं यह धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, या धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक, इसका मतलब जो चार्ज होता है वो सिर्फ धनात्मक होता है, लेकिन जो वेग होता है या धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक, चाल तथा वेग में अंतर। इसके बाद देखिए आपको गत से संबंधित एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक, बता रहे हैं देखिए, इसमें जैसे आपको वेग तो
एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो बस के त्वरण यात्री एक बस की गति 5 सेकंड 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको बताया गया है गति के स्थिति समीकरण, आपको उसमें बताया गया कि v, u, t और a, इन सभी को क्या कहा जाता है। v को कहा गया है अंतिम वेग, u को कहा गया प्रारंभिक वेग, ठीक, ये आपका अंतिम वेग था और ये प्रारंभिक वेग, ठीक, क्या है समय, ठीक, ये क्या था त्वरण, इन सभी को आपको बताया गया है प्रतीक को। यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे एक बस की गति 5 सेकंड, ठीक, 5 सेकंड इसकी बात की जा रही है टी की, ठीक, यहाँ पर टी बराबर दिया गया है 5 सेकंड, ठीक, 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक प्रारंभिक वेग होगा, क्योंकि देखिए पहले जा रही है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, बाद में कितना जाता है 60, इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे यू का मान कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक, प्रारंभिक वेग यू बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हम लोग जानते हैं चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक, इसलिए हम यहाँ पर देखिए समय जो दिया गया है सेकंड में दिया गया है, ठीक, इसलिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक, इसका मतलब यू बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है 1000 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक, और एक घंटे में इसको सेकंड में चेंज करेंगे ना कि मिनट में, एक घंटे में कितने सेकंड होंगे 3600, ठीक, इसका मतलब देखिए 1000/3600 जब करेंगे इसको हल किया जाता है कितना आएगा 5/18, ठीक, इसका मतलब जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो इसका मतलब 5/18 से गुणा कर देते हैं, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 5/18, ठीक, सरल कर दो 2×9=18, 2×6=8, ठीक, 40 आया, ये बराबर आपको मिला 200/9, ठीक, आप देखेंगे अंतिम में ऐसे आपको सभी प्रश्नों को गति से संबंधित हल करना है। एक प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं अंतिम वेग मतलब v बराबर, ठीक, कितना दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा गया ना, अब इसको भी हम चेंज करेंगे इसी तरह मीटर प्रति सेकंड में, ठीक, मीटर प्रति सेकंड में, तो v बराबर 60×5/18, ठीक, सरल कर दो 6 से सरल करो 6×3=18, 6×1=6, यहाँ पर 10 हुआ तो भी बराबर आ गया आपका 10×6=50, 4×3=3, ठीक, अब इसके बाद देखिए
ए पूछा जा रहा है, तो ए को पता है, बी पता है, टी पता है, ए नहीं पता है। तो गद्य के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर देखिए v बराबर u प्लस ए टी, v का मान पता है, u का मान भी पता है, t का मान पता है, a का मान नहीं पता है। सबसे पहले इसको पहचान कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए टी बराबर, ए टी बराबर होगा u को इस तरफ लेकर आएंगे तो v माइनस u, ठीक। हमें निकालना है किसका मान, a का, a बराबर v माइनस u अपॉन t, ठीक। आपका u का मान आया था 200/9 और v का मान आया है 50/3। इसके मामला तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। a बराबर v का मान आया है 250/3 माइनस 200/9, फिर t का मान कितना था 5, ठीक। सरल करो, यहां पर इसका एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम कितना बता देंगे, देखिए 3 × 9 3×3 इसका एलसीएम कितना होगा 9, ठीक। a बराबर इसका एलसीएम 9 होगा, ठीक। यहां पर लिखेंगे 9, 3 यहां पर आएगा, 3×9 यहां पर हो जाएगा 150, ठीक। सरल करेंगे यहां पर देखिए, और यहां पर माइनस 200/5, ए बराबर माइनस 50/9 और पूरे का बटा 5, ठीक। तो इसको जब सरल करेंगे आ जाएगा आपका ए बराबर 5 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना बटा है, इसका मान से जब उसको चेंज करेंगे आ जाएगा आपका 50/9 गुणे गुणा के रूप में चेंज करेंगे 1/5 हो जाएगा, ठीक। यदि 5 9 के स्थान यहाँ आएगा 9 के पास, ठीक ओके। यहाँ पर लिखा गया है ना माइनस 50/9 पूरे का बटा 5, 5 से भाग करेंगे आ जाएगा माइनस 10/9, ठीक। यही आएगा इसका आंसर, ठीक। ए बराबर आपका हुआ माइनस 10/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ऐसे आपको गत से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करना है, जैसे त्वरण ज्ञात करना है तो इसका मतलब ए अगर बी का मतलब अंतिम वेग कहा जाता है, तो बी अगर प्रारंभिक वेग कहा जाता है, यू समय ज्ञात करना है तो टी, ठीक। ऐसे आपको गत से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करना है, ठीक। जैसे आपको हम एक प्रश्न देते हैं, इसमें बताइए कि यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, और 10 सेकेंड बाद, और 10 सेकेंड के बाद उसका अंतिम वेग, उसका अंतिम वेग
टू ए एस, तीनों समीकरण में देखेंगे जो समीकरण लगेगा उसी के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यू का मान लिख लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, और वी का मान लिया गया है 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, और कहा जा रहा है कितने समय में, 10 सेकेंड में, इसका मतलब टी दिया गया है 10 सेकेंड। तो आप दो समीकरण लगाएंगे, देखिए वी बराबर यू प्लस ए टी, इन तीनों में देखिए v का मान पता है, u का मान पता है, t का मान पता है, a का मान नहीं पता है, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि उसका त्वरण क्या होगा। यहाँ से पहचानकर करेंगे at बराबर आपको मिलेगा v माइनस u, ठीक, या t a बराबर v माइनस u अपॉन t, ठीक। तो फार्मूला ये बनेगा, जैसे कि आपको बताया गया है परिभाषा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन देखिए, पहले ए अंतिम वेग है और ए प्रारंभिक वेग है और समय दिया गया है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पर उसका मान रख देंगे, v का मान देखिए 15 है और u का मान 5 है, ठीक, और बटे t का मान आ गया है कितना 10, घटा देंगे यहाँ से आ जाएगा आपका 10/10, ए बराबर कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब आपको सभी प्रश्नों को गति से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न कहा जाता है तो इन तीनों समीकरण से आप हल कर सकते हैं, ठीक। आज का वीडियो इतना ही है।